बॉक्सिंग सुपर 8 के पहले रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में जैसे ही अमेरिका को पीट कर अफ्रीका ने विजय पताका लहराई तो पॉइंट्स टेबल में हाहाकार मचा कर रख दिया। अब सीधा अफ्रीका से लेकर भारत को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी तो अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया को लगने वाला 440 वोल्ट का झटका। जी हां, सुपर T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में अमेरिका को हराकर अफ्रीका ने एक ब्लॉकबस्टर जीत हासिल की, जिसके चलते पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदल चुका है। जहां पर अमेरिका को खून के आंसू रोने पड़े हैं तो वहीं अफ्रीका से लेकर भारत को काफी ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, हम आपको पूरी पॉइंट्स टेबल का समीकरण इस वीडियो में बताएंगे, साथ ही साथ किसके हैं कितने अंक और कौन सी टीम अब सेमीफाइनल की सबसे बड़ी दावेदार है, सब कुछ भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन यदि आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि आप भारतीय टीम का फाइनल किसके साथ देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का रोमांचक लीग स्टेज समाप्त हो चुका है, जिसके बाद 8 टीमों ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। इन 8 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया, जहां पहले ग्रुप में हमारी प्यारी भारतीय टीम से लेकर चिर प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया तो वहीं अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश के दिग्गज टीमें हैं। तो वहीं दूसरे ग्रुप में साउथ अफ्रीका से लेकर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड जैसी एक से बढ़कर एक खूंखार टीमें हैं, जिनके बीच में एक पहली बार क्रिकेट खेल रही अमेरिका की क्रिकेट टीम भी आकर फंस चुकी है, या कहें उन्होंने सबको पीछे छोड़ते हुए टॉप 8 में जगह हासिल की है। ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब सुपर 8 के पहले ही मैच में उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। जी हां, एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेले गए महामुकाबले में जहां साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन ठोक डाले, तो इसका पीछा करते हुए अफ्रीका की कातिलाना गेंदबाजी के आगे मुश्किल से 20 ओवर खेलकर अमेरिका की क्रिकेट टीम केवल 176 रन बना पाई। हालांकि 47 गेंद पर 80 रन बनाकर एंड्रिस गॉस ने मैच अमेरिका की तरफ झुकाना चाहा, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। अंत में 18 रनों से साउथ अफ्रीका ने बाजी मार ली और अफ्रीका की जीत से पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण ही उलट पलट कर रह गया। तो चलिए पॉइंट्स टेबल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अब ग्रुप 2 में अमेरिका की क्रिकेट टीम अपने पहले मैच में हार के साथ सबसे नीचे चौथे पायदान पर आ चुकी है। साथ ही उनका रन रेट भी -0.900 का हो चुका है। हालांकि वो अभी भी सेमीफाइनल की रेस में बने हुए हैं, तो वहीं उनसे ऊपर तीसरी पोजीशन पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम मौजूद है, जिन्हें अभी अपना पहला मुकाबला खेलना है। तो वहीं इसके बाद आती है बारी वेस्ट इंडीज की टीम की, जो दूसरे नंबर पर मौजूद है। उन्हें अभी अपना पहला मुकाबला खेलना है और फिर दोस्तों इस ग्रुप की टॉपर बन चुकी है अब साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साउथ अफ्रीका ने अपने पहले मुकाबले में बड़ी आसानी से जीत हासिल की, सीधा 2 पॉइंट कमाए और +0.900 के खतरनाक रन रेट से अब साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा चुकी है। फिर दोस्तों चलिए अब अपने पहले ग्रुप 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस ग्रुप में अभी तक किसी भी टीम ने कोई भी मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से लीग स्टेज परफॉर्मेंस के आधार पर टीमों की पोजीशन सेट की गई है तो पहले नंबर पर हमारी प्यारी इंडियन क्रिकेट टीम मौजूद है। तो दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर हमारी टेंशन बढ़ रही है अब ऑस्ट्रेलिया की बेहद खतरनाक क्रिकेट टीमें, जिनके बीच सुपर 8 का सबसे बड़ा मुकाबला 24 जून को होने जा रहा है। इसका इंतजार पूरा क्रिकेट जगत बेसब्री से कर रहा है। तो वहीं इसी बीच तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती देते नजर आ रही है। तो चौथी पोजीशन पर अंडरडॉग बांग्लादेश किसी भी टीम को पल भर में मसलने का दम रखती है, यानी कि ये ग्रुप भी एक से बढ़कर एक सूरमाओं से लेस है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन सी दो टीमें आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाती हैं। जी हाँ, दरअसल इन दोनों ग्रुप में से जो भी दो दो टीमें अपने अपने ग्रुप में टॉप 2 में स्थान हासिल करेंगी उन्हें आगे सेमीफाइनल में भेजा जाएगा और फिर उन 4 टीमों में से दो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। यानी कि अभी तो T20 वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक दौर शुरू हुआ है, जहां टीम इंडिया को बस कुछ ही घंटे में अपना पहला मुकाबला सुपर 8 का अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। यहां पर टीम इंडिया अपनी जीत का खाता खोलना चाहेगी तो वहीं अफगानिस्तान को नया चमत्कार भारतीय टीम के मुंह से ये जीत छीनकर पहली बार सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए बेकरार है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच भी जल्द सुपर 8 का मुकाबला खेला जाएगा। अब दोस्तों, जरा एक बार वर्ल्ड कप में भी अब तक किस खिलाड़ी का दबदबा रहा है उस पर नजर डालते हैं। तो इस वर्ल्ड कप, इस T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का डंका बजाए। जहां एक तरफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में नंबर 1 की पोजीशन पर अफ्रीका के खिलाफ 80 रनों की खौफनाक पारी खेलने वाले एंड्रिस गॉस आ चुके हैं,
जिन्होंने 4 मैचों में ही 182 रन ठोक डाले, तो वहीं नंबर 2 की पोजीशन पर उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए रहमत उल्ला गुरबाज मौजूद हैं, जिन्होंने 4 मैचों में ही 167 रन ठोक डाले। तीसरी पोजीशन पर मौजूद है निकोलस पूरन, जिन्होंने 4 मैचेस में 164 रन बनाए हैं। फिर आती है गेंदबाज डिपार्टमेंट की बारी, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान के फजल फारूकी ने 4 मैचेस में ही सबसे अधिक 12 विकेट चटकाए हैं, जिसके बाद दूसरी पोजीशन पर साउथ अफ्रीका के एंड्रिक नॉर्किया 10 विकेटों के साथ उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो वहीं तीसरी पोजीशन पर न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट 9 विकेटों के साथ इस सूची में अब और ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनका सफर अब समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों, पूरी पॉइंट्स टेबल का हाल देखने के लिए अब आपको क्या लगता है कि कौन सी 4 टीमें करेंगी सेमीफाइनल में क्वालिफाई? क्या आपको लगता है भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में आया रोहित शर्मा और विराट कोहली का तूफान, चौके और छक्कों की बारिश करते हुए मैदान पर मचाया कोहराम। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज एक रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपनी तूफानी पारी के जरिए मैदान पर रनों की ऐसी बारिश की जिसके सामने विरोधी टीम के गेंदबाज भी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर तहलका मचाया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही में दोनों की तूफानी पारी का वीडियो भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन खतरनाक खिलाड़ी है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है T20 वर्ल्ड कप रोमांचक अंदाज से आगे चल रहा है, जहां पर लीग स्टेज का राउंड समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब भारतीय टीम सुपर 8 राउंड के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुपर 8 दौर में भारतीय टीम को 3 मैचेस खेलने हैं, जहां पर भारतीय टीम सबसे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलने वाली है और इसके बाद बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। लेकिन इस बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच से पहले दोनों टीमों ने अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आज एक रोमांचक मैच खेला, जहां पर इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बीच ओपनिंग करने के लिए आए कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए विरोधी गेंदबाजों को काफी परेशान किया। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली ही गेंद पर पुल शॉट के जरिए चौका लगाकर अपना खाता खोला था। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं था, रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर के अंदर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ एक बेहतरीन चौका लगाया और बता दिया कि आज इसी तरीके से वो तूफानी बल्लेबाजी करने वाले हैं। हालांकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, इसके बाद तो रोहित शर्मा ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को हैरान कर दिया, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी के लिए आए तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड के सामने एक ओवर के अंदर लगातार 4 बेहतरीन चौके लगाए और अपने अर्धशतक के करीब पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मिचेल स्टार्क के सामने लगातार छोटी गेंद पर अपना फेवरेट शॉट पुल शॉट लगाते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाया और अपना अर्धशतक मात्र 18 गेंदों के अंदर पूरा कर सभी को हैरान किया। हालांकि रोहित शर्मा अर्धशतक के बाद भी नहीं रुके और उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया और इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने 38 गेंदों के अंदर अपना शतक लगातार 2 छक्के के साथ पूरा कर लिया। तो दूसरी तरफ से विराट कोहली ने काफी ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला और इसी तरीके से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आगे भी गेंदबाजों को परेशान किया, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी के लिए आए पैट कमिंस के सामने लगातार 4 गेंदों पर 4 बेहतरीन चौके लगा दिए और इसी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया, जहां पर रोहित शर्मा ने 42 गेंदों पर 105 रनों की पारी खेलने के बाद रनआउट होकर अपना विकेट दे दिया। तो दूसरी तरफ से विराट कोहली ने 38 गेंदों पर 74 रनों की नाबाद पारी खेले और ऐसे में दोनों की अभ्यास मैच में तूफानी पारी को देखकर भारतीय मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ है और ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में करने लगा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिलेगा या नहीं, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए अब भारतीय टीम को आमंत्रित किया। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से अब रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दिल और धड़कन रोहित शर्मा और विराट कोहली
भी मैदान पर उतरे, जहां पर रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर चौका लगाते हुए अपना खाता खोला तो दूसरी तरफ से विराट कोहली ने दो रन के साथ अपना खाता खोला। लेकिन दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए। इस बीच दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए पैट कमिंस ने रोहित शर्मा को विकेट कीपर के हाथों के 4 रन के स्कोर पर कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने अब ऋषभ पंत मैदान पर आए। लेकिन दूसरी तरफ से आज के दिन विराट कोहली भी टीम को देर तक संभालने में